यमुनानगर में हम हैं। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट अपने आप में बहुत खास है। 10 साल में क्या यमुनानगर बदला है? लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। सरकार ने पिछले 9-9.5 साल में इतने काम किए कि जिसकी हमको उम्मीद नहीं थी। अगर आप आ भी गए सरकार में तो कुछ करने को बचेगा नहीं। यमुनानगर के अंदर हुआ ही कुछ नहीं है। जो ठगी माइनिंग के अंदर चल रही है वैसी ठगी मैंने किसी सरकार में आज तक देखी नहीं। आपको लगता है कि यमुनानगर में जो होना था वो हुआ है? आप संकोच मत कीजिएगा। पता नहीं आगे गठबंधन रहे ना रहे, बहुत इस टाइम पे सुधार हो चुका है। दुष्यंत चौटाला ज्यादा काम कर रहे हैं यमुनानगर में। मैं अपने एरिया की बात बता रही हूँ। और ये दुष्यंत चौटाला की वजह से हो रहा होगा? सरकार के माध्यम से हो रहा है। पंजाब से दिल्ली से गाड़ी लेकर के आए थे, कुछ लोगों को बैठाया। दिल्ली वाले तो आपके बस में हैं, हरियाणा वाले सब कूद कूद करके चले गए। गाड़ी चंडीगढ़ से चली, इसको दिल्ली जाना है। इसमें बहुत से यात्री बैठते हैं, बहुत से उतरते हैं, लेकिन गाड़ी दिल्ली जरूर पहुंचती है। मारे से पहली सरकार में तो काम किया ही नहीं कुछ भी। वो लगे ही बिल्कुल 9 साल से ये बैठे हैं, चलाएगा कोई और आके? अरे नहीं, मारी सरकार 9 साल से ये बैठे, चलाएगा कोई और आके? हमने 9 साल में क्यों नहीं चलाया आपने? दादूपुर नलवी को लेकर के बहुत बात होती है। आज तक कोई भी प्रदर्शन, कोई भी डेमोंस्ट्रेशन आज तक वहाँ के लोगों ने नहीं किया। आज के लिए माइनिंग को लेकर के यमुनानगर हमेशा सुर्खियों में रहा है। माइनिंग सरकार के प्रोटेक्शन के अलावा नहीं चल सकती है। सरकार के संरक्षण में माइनिंग पूरी तरह से ढांचा ध्वस्त कर दिया। माइनिंग का तो देखो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सरकार आपको बोलना भी नहीं चाहिए इसको ऊपर। हमने माइनिंग में पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा सुधार किया। लेकिन अगर 10 गुना अगर फाइन कर दिया गए इसका मतलब रोकने का प्रयास है। विधानसभा लड़ने के लिए हर कोई तैयार है, लोकसभा लड़ने के लिए कोई राजी नहीं। मतलब कैंडिडेट का नाम उस तरीके से नहीं आ रहा है, या आपकी पार्टी में हो क्या रहा है? मैं कुंबा बड़ा होगा उसमें मतलब खींचतान तो रहेगी। इसका असर सरकार बनाने पे यूनिटी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपके यहाँ संगठन नहीं बन पाया अभी तक। बिना संगठन के भी हम जीतेंगे, मतलब संगठन नहीं बन पाएगा। जब बनेगा बन जाएगा। सब कह रहे हैं 10 पे 10 हम कमल का फूल खिलाएंगे, तो चाबी क्या झुंझुना बजाने के लिए? आइकमान भी मारा है, आइकमान ही बैठेगा। हमने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है इकट्ठा, उसका फैसला 2024 में पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार देंगे आपको। क्या है निर्णली के पास तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने सिंबल को बचाए। और हम इलेक्शन खूबसूरती ढंग से लड़ेंगे और जो भी पार्टी हमारे साथ मिलना चाहेगी रिस्पेक्टेबल तरीके से आपके साथ मिलना चाहिए। आप परेशान है कांग्रेस के साथ मिलने में, कौन यहाँ से लेके दिल्ली तक आपके आप INLD के बिना सरकार नहीं बनेगी हरियाणा में। हमारे हाथों से तराशे पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे। लगता नहीं है कि सांप चुचंदर वाली हालत हो गई है, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। 8 फरवरी शाम 5 बजे सिर्फ जनता टीवी पर चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय PNB किचन में PNB की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय UPS लक्ष्मी, LPS बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी।